जनपद में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक विभाग की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, जो कि 2 महीने तक चलता है, जिसमें भारी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और फरवरी के अंत तक चलता है। इसके अलावा रविवार मंगलवार को भी भारी संख्या में भीड़ होती है, जिसको देखते हुए जनपद के बाहरी ट्रैफिक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर के रास्ते पर जाने की अनुमति होगी जिनको मंदिर दर्शन करने के लिए जाना होगा, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालुओं के वाहन मंदिर के नजदीक पहुंच सके, जिसके लिए 14 जगह पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा और सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वह खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर जनपद में खिचड़ी मेला परंपरागत रूप से करीब 1.5 महीने तक चलता है और इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। ये लगभग 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और 13, 14, 15 के लिए इसका पीक रहता है। इसके बाद बुढ़वा मंगल पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न संडे या छुट्टी अन्य दिवसों पर भी वहाँ पर दर्शकों की और श्रद्धालुओं की काफ़ी मात्रा में संख्या रहती है। उन श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए जो बाहर के जनपद से हैवी ट्रैफिक आता है उसके लिए शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसको बाहर से बाहर ही डाइवर्ट किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर के रास्तों पर जाने की अनुमति होगी जिनको वास्तव में मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है। इसके लिए हमने विभिन्न स्थानों पर बैरियर्स लगाए हैं, पिकेट्स लगाए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए लगाई गई है और यथासंभव हमने प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं के वाहन ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के नज़दीक तक पहुंच सकें। इसके लिए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करके उनका समतलीकरण किया जा रहा है, नगर निगम के सहयोग से वहाँ पर रैंप बनवाए जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को विशेष हिदायत दी गई है कि सभी श्रद्धालुओं के साथ अनुकरणीय अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि उनको लगे कि वो गोरखपुर में आए हैं और उनके लिए जो है पुलिस सेवा भाव से उनको फैसिलिटेट कर रही है ताकि उनको अच्छे से सुगमता से दर्शन हो और ये त्यौहार और मेला अच्छे से संपन्न हो। श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग के लिए पहले 10 स्थान चिन्हित थे, अब हमने 14 स्थान चिन्हित किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भगवती महाविद्यालय, RPF का ग्राउंड है और ग्रीन सिटी के पास और इंडस्ट्रियल मोड़ के पास और MP पॉलीटेक्निक, इन सब जगहों पे हमने पार्किंग की व्यवस्था की है।